हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाला वीडियो मिल सके। लिखी हुई रेसिपी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए, कढ़ाई में हमने 200 ml पानी डाल दिया है और गैस का फ्लेम थोड़ा हम मीडियम कर देंगे। और ये हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर हैं इस तरह से काट लिया है 4 टुकड़ों में, और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये हम एक टुकड़ा अदरक है, इसको हमने घिस लिया था, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा ये स्प्रिंग गार्लिक है, इसको हमने काट लिया है, थोड़ी सी धनिया की पत्ती है इसको इसमें डाल देंगे और इसको 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे खोल देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, देखिए टमाटर हमारा गल गया है। अब इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, गैस को हम बंद कर लेंगे। और थोड़ी देर जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम छान लेंगे। सूप को हमने छान के रख लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे, देखिए बटर मेल्ट हो रहा है। तो इसमें हम थोड़ी सी हरी मटर है ताजी, इसमें डाल देंगे। सूप के ऊपर से डालेंगे तो सूप का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो हल्का सा ही मटर थोड़ी सी गल जाए, थोड़ी सी इसको ढक देते हैं लो फ्लेम पे। 2 मिनट हो गए हैं और देखिए मटर हमारी गल गई है। मटर एकदम ताज़ी थी, सीजन वाली। गैस को हमने लो ही रखा है और देखिए टमाटर के सूप को हमने छान लिया है। और जो इसका गूदा बचा है उसको हम किसी भी सब्जियों में यूज़ कर लेंगे। और सूप को इसमें हमने डाल दिया है। इसमें किसी भी तरह का हमने कॉर्नफ्लोर का यूज़ नहीं किया है, ये खुद ही गाढ़ा हो गया है। आप सीजन की कोई भी जैसे गाजर है, चुकंदर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मटर से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च एकदम महीन नहीं है, थोड़ी सी दर्री पिसी हुई है। और देखिए सूप हमारा रेडी हो गया है। इसमें आप पनीर के टुकड़े को भी कुरकुरा करके डाल सकते हैं, ब्रेड के टुकड़े को भी कुरकुरा करके डाल सकते हैं। तो चलिए सूप हमारा तैयार हो गया है, इसको हम सर्व करते हैं।